इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में विधायक को जनता चुनकर भेजती है, लेकिन कोई कीमत नहीं है, ऐसा कहकर वो चुनाव का अपमान करने लगते हैं। उन्होंने कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी तंज कसा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कमलनाथ ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं है, वे आए या फिर जाएं, वजन तो उनका होता है जो जमीन से जुड़े होते हैं। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करेगी। सुनिए, सबसे पहले आपको कमलनाथ का बयान सुनाते हैं जिस पर आज नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। देखिए, विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की, ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूंगा। मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। दरअसल कमलनाथ जी, जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं, और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। ये सिर्फ बैठक ही कर सकते हैं और जवानी जमा खर्च कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं। जैसे बाकी का हुआ ऐसे इसका होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि मैं कोई किसान का बेटा नहीं, मैं चाय वाला नहीं, मैं राजा नहीं, महाराजा नहीं, मैं एक आम आदमी। कांग्रेस जन आम व्यक्ति बनाकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का शासन पुलिस प्रशासन और पैसों से चल रहा है। बीजेपी की विकास यात्रा का 160 विधानसभा में विरोध हुआ, ऐसे में आप खुद स्थिति समझ सकते हैं। ये अभी 6 महीने में साफ हो जाएगा। अभी ग्वालियर का वहां पर कौन जीता? वही मैंने कहा, मुरैना का वहां पर कौन जीता? अरे देखिए, तो आम जनता आज बहुत समझदार है। मैं कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई चाय वाला नहीं, मैं मामा नहीं, मैं किसान का बेटा नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ बस।